लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है दर्शक। आज मैं आपको इसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो आप खीरे का खेती करते हैं वो खीरे का खेती 100% सफल कैसे होता है। आज मैं ये वीडियो में सब कुछ रात जल्दी में बता दूंगा, कोई टाइम न लूँगा और फास्ट फास्ट मैं आपको बता दूंगा। आपका मौसम अगस्त सितंबर जो भाद्र महीना होता है उसका चूज करना है, उसमें आपने बीज लगाना है। भाद्र महीना के पहले हफ्ते में बीज को लगाना है। जात कामिनी आता है नेपाल में, जो चितवन में हम खेती करते हैं, कामिनी जात का खेती अभी होता है। और आपने ऐसे करके कामिनी जात का खेती चूज करना चाहिए। और आपको मैं ज्ञान दूंगा, आपने जो यहाँ पर देख रहे हैं एक फ्रेम, वो फ्रेम में आप बांस का यूज कर सकते हैं और अंदर और ऊपर तार का रस्सी और तार प्रयोग कर सकते हैं और बीच में रस्सी का प्रयोग करके और थोड़ा सा ये रस्सी का प्रयोग करके आप फ्रेम बना सकते हैं। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेम को आप ट्रायंगल में लगाना चाहिए और नमस्ते ठाकरा बोलता है और इसे करके लगाना चाहिए। ये पहला बात है। और दूसरा बात क्या है, आपको इसमें जो आपने मल्चिंग करना चाहिए और एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड का दूरी आपको 1 मीटर होना चाहिए और एक डैंग से दूसरा डैंग का दूरी आपको 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आपको इसमें मल क्या क्या डालना चाहिए, आपने एक गड्ढा में 6 बोरा आपका कुहरा का मॉल डालना चाहिए, सूली डालना चाहिए। और आपने 5 गट्ठा में 2 टेलर आपका गाय वस्तु का मॉल डालना चाहिए और 10 केजी आपने DAP डालना चाहिए और आपको पोटास 7 केजी और यूरिया 2 केजी और आपने यहाँ पर थोड़ा सा जिंक बोरेक्स सल्फर ए इत्यादि जो कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। और ऐसे करके आपने ज़मीन का तैयारी करके और बीज को लगाना चाहिए। और लगाने के बाद आपने इसमें एक खपटे जो कीड़ा होता है, एक राता रंग का खपटे कीड़ा होता है, उसका प्रकोप होता है। और शुरू से ही आपने जो कीटनाशक औषधि का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद आपने 10-10 दिन में डोसी का औषधि का प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा विटामिन का प्रयोग करना चाहिए। और आपने मल्चिंग करके लगाते हैं तो आपका खेती बहुत अच्छा होगा। और एक प्रति गड्ढा में 4 क्विंटल तक आपको उत्पादन होगा इसमें। और आपने इसको लगाने के लिए एक दिशा का चूज करना है, जहाँ पर से हवा खेलता है वही दिशा में लाइन बनाना चाहिए। और धूप का भी यहाँ पर आवश्यक होता है, धूप आने के जगह में लगाना चाहिए। और ये बलौटे माटो मिट्टी में बहुत अच्छा इसका खेती होगा। और आपने ऐसे करके इसको मौसम, जात, फल और औषधि और इसका दूरी और इसका ज़मीन का छनोट और ज़मीन का छनोट करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना चाहिए, मैं आपको एक लॉजिक बता दूँगा। आपने ज़मीन के छनोट के लिए एक टेक्निक अपनाना चाहिए। उस टेक्निक है क्या है मैं आपको बता दूंगा। जब भी वर्षायाम होता है, अपने बेमौसमी निकाल रहे हैं, वहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, मल्चिंग करना चाहिए और ज़मीन को ऊंचा करके डैंग बनाना चाहिए। आपने ऐसे करके ऊंचा करके डैंग बनाते हो तो आपका पानी से वहाँ का कोई भी पौधा का खराब नहीं होता है। ऐसे करके हमने अच्छी तरह से उसको डैंग बना के करते हैं। और अगर उसमें जब भी पानी का मात्रा सूखता है और उस टाइम में हम पानी भी दे सकते हैं उस डैंग से। और इसे करके हम थोड़ा सा ऊंचा बना के उसको लगाना चाहिए। और इसे करके हम कांकरा खेती का ये सब कुछ लॉजिक मिलाएंगे तो हमारा कांकरा खेती बहुत अच्छा होगा और आप सक्सेस हो सकते हो। मैं आपको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। आपने जब ये कांकरा खेती का सफल ले लिया और इसका उत्पादन ले लिया, उसके बाद आपने इसमें बोड़ी, घिउसिमी और टमाटर खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसमें बड़ा बड़ा जो मल खाने का खेती है वो आप नहीं कर सकते हैं। और बोड़ी, सीमी और टमाटर अच्छी तरह से आपका यहाँ पर खेती होगा। आपने एक बार खेती को रेडी किया तो दूसरा बार आपने ये खेती की फसल लेने से फिर बाद आपने दूसरा तीसरा खेती भी ले सकते हो। आपका आइडिया लगाना चाहिए। आपने वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।